यह है अभी कुछ टाइम पहले स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट आया था, इसका आइडिया किसी को? स्वच्छ भारत अभियान का आइडिया किसी को? क्या है स्वच्छ भारत अभियान, किसी को आइडिया नहीं है? तो ये गाड़ी की शुरुआत कब से हुई? गाड़ी की शुरुआत कब से हुई? पहले बात नहीं आपने मगर पैसे अपने कब से गाड़ियाँ चल रही है? पहले आती थी गाड़ी अपने घर पे मालूम है सबको, तब से गाड़ियाँ आई। और जो अपने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत है वो 2014 से हुई है, 2014 दो अक्टूबर 2014 से शुरुआत की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की। इसमें क्या करना था, हमको अपने जो अपन कचरा जनरेट करते आसपास गंदगी फैलाते उसको कम करना था, और साथ ही साथ उस कचरे को यूज करके अपन रिसाइकल उसको करके वापस यूज में लेना था, या जो कचरा अपन फेंकते हैं उसकी वजह उसको कंपोस्ट करके यूज में लेना था और उसको कम करना था। ये तीन चीजें मेन थी, रिसाइकल रीयूज और रिड्यूस, ये तीन चीजें मेन थी। तो उसके तहत अपने यहाँ गाड़ियाँ चलाई गई थी। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी में दो बॉक्स बने रहते हैं, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का, तो किसी को आइडिया है वो दो बॉक्स क्यों बने रहते हैं, एक ही बॉक्स क्यों नहीं रहता उसमें? गीला कचरा और सूखा कचरा। आप लोग घरों पे दो डस्टबिन यूज करते हैं नहीं करते? तो फिर आप कौन से बॉक्स में कचरा डालते हैं अपना? सूखे वाले कचरे में डालते हो, गीले वाले में डालते हो? बिना देखे डाल देते हो क्या अभी तक? है ना, जो पार्टीशन सामने दिखा उसी में डाल दिया, अगर ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन में डाल दिया, ब्लू दिख रहा है तो ब्लू में डाल दिया। पर अपने को अभी इस चीज का ध्यान रखना है, अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को घरों पे अपने दो डस्टबिन का यूज करना है। दो डस्टबिन कौन कौन से? ब्लू और ग्रीन। और उन दो डस्टबिन में गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग रखना है। और सूखा कचरा किसको कहते हैं, किसको पता है? आपको पता है? किसी को आइडिया है सूखा कचरा किसको कहते हैं? तो सूखा कचरा वो होता है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे जो है रिसाइकल हो जाती है, पुष्के हो गए, ये रिसाइकल होने वाली चीज़ें को सूखा कचरा कहते हैं। और साथ में जो गीला कचरा होता है, गीले कचरे का आइडिया है किसी को? गीले कचरे का भी आइडिया नहीं है। गीला कचरा वो होता है जो सड़ जाता है, जैसे अपने किचन से जो सब्जियां के छिलके निकलते हैं वो कुछ टाइम बाद सड़ जाते हैं, फलों के छिलके होते हैं ये सड़ जाते हैं, चाय पत्ती वगैरह की जो सड़ने वाली चीज़ें ये गीला कचरा होती है। और सूखा कचरा होती है, सूखा कचरा होता है वो रिसाइकल होने वाला होता है। तो अब ये बताइए कि जो सूखी हुई पत्तियाँ होती है वो गीला कचरा है कि सूखा कचरा है? सूखा कचरा है। क्यों है? तो उसका रिसाइकल होता है उसका, या पत्तियां सड़ जाती है? पत्तियां जो होती है वो कुछ टाइम बाद सड़ जाती है, सूखने के बाद सड़ जाती है, तो वो गीला कचरा नहीं होगा, वो सूखा कचरा है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो गीला कचरा है उसमें वो चीजें नहीं है जो सड़ती है, जैसे जो सूखी हुई मूंगफली के छिलके हो गए सूखे सूखे, वो भी गीला कचरा है। और अगर मान लो कांच रबर प्लास्टिक जैसी चीजें जो होती है वो कितनी भी फेंक जाए लेकिन वो सूखा कचरा रहेगी, वो रिसाइकल होती है। तो ब्लू और ग्रीन आपको समझ में आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, घरों पे सबको बताना है, आसपास बताना है कि घरों पे दो डस्टबिन का यूज करें जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखें, और गाड़ी में लिखा भी रहता है ब्लू ग्रीन के कलर के साथ साथ लिखा भी रहता है, तो आप उनको सूखा कचरा सूखे में डालना है और गीला कचरा गीले में डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ में पोलोथीन बैन के बारे में सुना होगा आपने कि पोलोथीन का उपयोग ना करें, किसी ने सुना है? प्लास्टिक का जो खाना सुना है पोलोथीन उसका उपयोग करना उससे क्या वायर वगैरह खाते वो मर जाती है, प्लास्टिक जैसी चीज़ों का यूज नहीं करना है। और इसके पीछे सर ने जैसा बताया कि पहले क्या होता था, पोलोथीन में हम सब्जियों के छिलके बांध के फेंक देते थे, गाय उसको खाने की कोशिश में पोलोथीन भी खा लेती थी जिसके कारण गाय की मौत भी हो जाती थी, तो ऐसी चीज नहीं करनी, साथ में गंदगी तो फैलती थी। और अगर जो प्लास्टिक जैसी चीजें होती है वो हजारों सालों तक खत्म नहीं होती है, हम आज तो एक बार यूज करके फेंक देते हैं पर वो जो चीज है वो हजारों सालों तक यही धरती पे रहने वाली है, इसलिए भी उसका यूज नहीं करना है आपने को, क्योंकि वो सड़ती नहीं है ना रिसाइकल हो पाती है, वो हजारों सालों तक रहती है। अगर आप रोड पे फेंक देंगे तो धूल मिट्टी से वो जमीन के अंदर दब गई तो फिर क्या होगा, क्या बारिश का जो पानी होता है क्या वो जमीन के अंदर जा पाएगा? पोलोथीन बीच में आएगी, अगर पूरे गार्डन में इसमें पोलोथीन डाल दी जाए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए तो क्या पानी जमीन के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, और पानी वहां से फेंक के कहीं और जाएगा, तो इन्हीं सबके कारण बाढ़ जैसे हालात भी होते हैं। अगर कहीं ज्यादा इकट्ठा हो गया पानी अंदर भी जा पाता है कभी जमीन के कारण तो वो बाढ़ जैसे हालात होते हैं। और साथ में जब बारिश खत्म होगी गर्मी के दिन आएंगे तो क्या जमीन में पानी रहेगा? क्योंकि पहले पानी गएगी तो पानी रहेगा भी नहीं, तो वहां पे सूखा भी पड़ता है, तो इसलिए हमको इसका ध्यान रखना है। पोलोथीन जैसी चीजों का, प्लास्टिक जैसी चीजों का यूज नहीं करना है। पोलोथीन की बजाय हम कपड़ों के थैले का यूज कर सकते हैं,
कपड़े के थैले क्या होते हैं, हम एक बार सामान लाएंगे रखने के, फिर नेक्स्ट टाइम उसी में सामान लेके आ सकते हैं। तो जो बार बार चीजें यूज होती है हमको उसका यूज करना है, और कपड़े के थैले जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। और पॉलिथिन प्लास्टिक जैसी चीजें हम जला के भी खत्म नहीं कर सकते, वरना एयर पोल्यूशन होता है। तो दूसरी चीज ये समझ में है कि पॉलिथिन का उपयोग नहीं करना, क्यों नहीं करना है, ये चीज समझ में है। तो ब्लू ग्रीन के बारे में कौन बताएगा आपने से, इसको ब्लू ग्रीन के बारे में पूरा समझ में आया था? कोई है सर समझा सकता ब्लू ग्रीन उसका जो रिसाइकल होता है, उसका बताया? और कोई कांच ये सब? हाँ सुबह कचरा होता है जो रिसाइकल नहीं सड़ती, और आपने गाड़ी में नोटिस किया होगा कि पीछे और दो छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं, कभी ब्लैक कलर का, येलो कलर का, वो कचरा क्या होता है उसका आइडिया है किसी को? जो येलो होता है, वैसे तो अपने घरों में मेन तौर पर ब्लू और ग्रीन का यूज होता है, बाकी तो ब्लैक होता है। उसमें हॉस्पिटल जैसी चीजें, जैसे अपन पहले कोरोना टाइम में मास्क लगा देते हैं, होता है इसमें जैसे बच्चों के डायपर्स हो गए, इस तरह की चीजें उसमें डाली जाती है। तो ये तो बहुत कम निकलने वाला है, मेन तौर पर हमको ब्लू और ग्रीन का यूज करना है और सेग्रीगेशन करना है, कचरे का पृथक्करण करना है। और दूसरी चीज पॉलिथीन का यूज नहीं करना है, उसकी जगह पे कपड़े का थैले का यूज करना है, साथ में लोगों को भी जागरूक करना है इसके लिए। अब आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, हम लोग शपथ लेंगे कि हम लोग कचरा गंदगी नहीं करेंगे और डस्टबिन का यूज करेंगे। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। कचरे को कूड़ेदान में ही डालूंगा, दो डस्ट